एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कोलकाता हाई कोर्ट ने 30 साल के पॉस्को आरोपी को अग्रिम जमानत दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश चित्रंजन दास और पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने बुधवार को मुर्शिदाबाद के एक 30 वर्षीय व्यक्ति को पॉस्को मामले में अग्रिम जमानत दे दी है, जो पीड़ित लड़की का निजी शिक्षक है। आरती गुप्ता कोलकाता, असाधारण परिस्थिति पर वैधानिक रोक की अनदेखी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश चित्रंजन दास और पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने बुधवार को मुर्शिदाबाद के एक 30 वर्षीय व्यक्ति को पॉस्को मामले में अग्रिम जमानत दे दी है, जो पीड़ित लड़की का निजी शिक्षक है। आरोप है कि 10 साल की एक बच्ची जो चौथी कक्षा की छात्रा थी, आम दिनों की तरह सुबह पढ़ाई के बाद जब आरोपी के पास प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो सभी छात्रों को छुट्टी देने के बाद आरोपी ने पीड़ित बच्चे से पूछताछ की। अकेले पाकर आरोपी ने पीड़ित लड़की को डराया, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उसके प्राइवेट पार्ट को उंगली से छुआ। आरोपी ने पीड़ित लड़की को यह बात किसी को न बताने के लिए कहा और उसे छोड़ दिया। बाद में पीड़ित लड़की के चाचा ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 AB और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 और 10 के तहत FIR दर्ज कराई। हालांकि पॉस्को अधिनियम 2012 को बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के पवित्र उद्देश्य के साथ अधिनियम किया गया है, लेकिन पॉस्को अधिनियम 2012 का उपयोग पहले से मौजूद प्रतिद्वंदिता के कारण किसी को कानून दुविधा में फंसाने के लिए एक प्रतिशोधात्मक रणनीति के रूप में किया जा रहा है। न्यायालय के तथ्यों पर विचार करते हुए कहा है कि आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई। हालांकि उन मामलों में अग्रिम जमानत दाखिल करने पर वैधानिक रोक है जब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 AB शामिल है। अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा, हालांकि जहां तक IPC की धारा 376 AB के तहत अपराध का सवाल है, CRPC की धारा 438 की उपधारा 4 के तहत रोक है, लेकिन ऐसी रोक पूर्ण नहीं है जब पुलिस पेपर में प्रथम दृष्टता उक्त धारा के तहत मामला नहीं बनता। अदालत में आरोपी व्यक्ति की ओर से पेश हुए कानूनी वकील अर्णब कुमार नियोगी ने टिप्पणी की, यह पॉस्को एक्ट 2012 की खामी है। भले ही पीड़ित बच्चा सच्ची घटनाओं के बयान के लिए FIR दर्ज होने के बाद बयान बदल दे, बाद में झूठी गवाही के नियम बच्चों पर लागू नहीं होते हैं, जो उन्हें दूसरे द्वारा शोषण के लिए खुला बनाता है। पहले से मौजूद प्रतिद्वंदिता के कारण पॉस्को मामले में लक्षित आरोपी को झूठा फंसाने के लिए बच्चे का दुरुपयोग करता है। पॉस्को अधिनियम के तहत एक नाबालिग को झूठी गवाही के मामले में दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधानों से सुरक्षित रखा गया है, इसलिए कोई रोकथाम नहीं है। हमें अपराध विज्ञान के मूल सिद्धांत को याद रखना होगा कि 1000 दोषियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन किसी भी निर्दोष को दंडित नहीं किया जाए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।